जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के विषय होगा भूगोल, और वर्ग 12th टॉपिक है परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार विश्व के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। परिवहन क्या है, परिवहन के साधन कौन कौन हैं, इन टॉपिक पर हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था, और सड़क परिवहन के बारे में चर्चा किया था। आज के क्लास में हम लोग रेल परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। रेल परिवहन के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। रेल परिवहन क्या है, या रेल परिवहन से आप क्या समझते हैं। तो आप रेल परिवहन का परिभाषा लिखेंगे कि रेल के माध्यम से, रेल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, रेल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना रेल परिवहन कहलाता है। अब सवाल होगा कि रेल है क्या, रेल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। रेल परिवहन का तो हमने परिभाषा बताया आपको कि रेल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना रेल परिवहन कहलाता है, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि रेल किसे कहते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे कि लोहे की बनी, लोहे की बनी पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता, लोहे की बनी पथ को, लोहे की बनी रास्ता को हम रेल के नाम से जानते हैं। साधारणतः आम बोलचाल की भाषा में लोग पटरी के नाम से उसको बुलाता है, लेकिन इसको पटरी नहीं कहते हैं, लोहे की बनी पथ, पथ मतलब रास्ता को हम क्या कहते हैं, रेल के नाम से जानते हैं। अब सवाल है कि संसार में सबसे पहले रेल परिवहन की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो संसार में सबसे पहले रेल परिवहन इंग्लैंड में शुरू हुआ था। संसार में सबसे पहले रेल परिवहन की शुरुआत कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में कब हुई थी, तो 1825 ईस्वी में। लेकिन 1825 ईस्वी में जो इंग्लैंड में रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी, यह क्या थी, मालगाड़ी थी, सामान ढोने वाली गाड़ी थी। लेकिन इंग्लैंड में ही सवारी गाड़ी की शुरुआत की बात करें तो 1829-30 के आसपास सवारी गाड़ी शुरू हुआ था। अब सवाल है तो सबसे पहले रेलगाड़ी इंग्लैंड में चला था, किन दो शहरों के बीच चला था। तो इंग्लैंड की पहली रेलगाड़ी जो 1825 में चली थी, वह चली थी स्टॉकटन तथा डार्लिंगटन के बीच। स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच इंग्लैंड की पहली रेल चली थी, और जो पहला इंजन था, जो पहला इंजन था विश्व का, उसका नाम था रॉकेट। विश्व का पहला जो रेल का इंजन था उसका क्या नाम था, रॉकेट। तो सबसे पहले जान लेंगे कि इंग्लैंड में सबसे पहले रेल चली 1825 में चली थी, कहाँ कहाँ, तो स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। पहले रेल इंजन का नाम क्या था, तो पहले रेल इंजन का नाम था, आपको बता दें, रॉकेट। अब दूसरा प्रश्न आपके मन में होगा कि विश्व की हम चर्चा कर रहे हैं, तो वर्तमान समय में विश्व में रेल मार्ग कितने हैं, विश्व में रेल मार्ग की लंबाई। तो विश्व में रेल मार्ग की अगर हम बात करें, तो विश्व में रेल मार्ग की लंबाई लगभग 13 लाख किलोमीटर है। कितना है, विश्व में रेल मार्ग की लंबाई
लगभग 13 लाख किलोमीटर है। इस 13 लाख में से 5.2 लाख किलोमीटर कहाँ है? अमेरिका में। तो विश्व में रेल मार्ग की लंबाई लगभग 13 लाख किलोमीटर है, इसमें 5.2 लाख किलोमीटर अकेला कहाँ है? अमेरिका में। अब तो ये जान गए, तो अब दूसरा प्रश्न ये होगा हमारे मन में कि रेल परिवहन को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है। एक प्रश्न आएगा आपसे, पूछा जा सकता है कि रेल परिवहन को प्रभावित करने वाला कारक, मतलब वह कौन कारक है जो रेल परिवहन को क्या करता, प्रभावित करता है। तो रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। नंबर एक, धरातलीय स्वरूप। धरातलीय स्वरूप का मतलब होता है धरातल का बनावट, मतलब रेल परिवहन को, रेल को बिछाने के लिए धरातल का स्वरूप लगभग समतल होना चाहिए। क्योंकि एक बार जान ले कि 1 डिग्री से 3 डिग्री अगर ढाल होगी तो रेल मार्ग को बिछाना आसान होगा, लेकिन रेलवे की ढाल अगर 3 डिग्री से क्या होगी, ज़्यादा होगी, 3 डिग्री से अगर ज़्यादा होती है तो रेल पथ को बिछा पाना क्या है, संभव नहीं। दूसरी बात करें तो दूसरा का नाम क्या है जलवायु। मतलब रेलवे परिवहन को संचालित करने के लिए जलवायु मानसूनी होनी चाहिए, शुष्क होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा शीत जलवायु होगी, ज़्यादा ठंडी जलवायु होगी तो वहाँ रेलवे को परिचालन करने में परेशानी होगी, क्योंकि रेल पथ पर बर्फबारी हो जाने से रेल को चला पाना संभव नहीं हो पाएगा। तीसरा जो कारण है वह आर्थिक कारण है, क्योंकि रेलवे का परिचालन करना बहुत खर्चीला है, इसको मार्ग बनाने में, इसके लिए भूमि संसाधन उपलब्ध कराने में बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, तो आर्थिक कारण भी इसको प्रभावित करने वाला कारक है। इसके अलावा राजनैतिक कारण भी होगा, क्योंकि अगर देश की राजनीतिक स्थिति अच्छी होगी, अनुकूल होगी, तो रेलवे का विकास ज़्यादा होगा, अगर राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो रेलवे का विकास अच्छा नहीं हो पाएगा। अब अगला प्रश्न होगा तो रेल पथ के प्रकार कितने हैं, रेल पथ के प्रकार। रेल पथ की अगर हम प्रकार की बात करें तो सबसे पहले आप जान लें कि विश्व में रेल पथ के 4 प्रकार हैं। संसार में, मतलब विश्व में रेल पथ के कितने प्रकार हैं, तो विश्व में रेल पथ के 4 प्रकार हैं। विश्व में रेल पथ के कितने प्रकार हैं, तो विश्व में रेल पथ के 4 प्रकार हैं। नंबर एक, बड़ी लाइन। दूसरा, मानक लाइन। तीसरा, मीटर लाइन। चौथा, छोटी लाइन। तो प्रश्न हुआ कि रेल पथ के अगर हम प्रकार की बात कर ले तो संसार में रेल पथ के कितने प्रकार हैं, तो संसार में रेल पथ के 4 प्रकार हैं। पहला, बड़ी लाइन। कहता है कि रेल पथ के बीच की दूरी अगर हम बात कर ले तो यहाँ ये कहना चाहता है कि ये रेलवे का पथ है, ये पथ रेल का है, इसी को हम कहते हैं क्या कहते हैं रेल कहते हैं। चलती है गाड़ी, नाम पर क्या रेलगाड़ी। तो कहता है कि इन दोनों के बीच अगर डिफरेंस, इस दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो, तो 5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर। मतलब रेल के दो पथ हैं, दो रेल हैं, अगर इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो, 1.5 मीटर हो, तो इसे क्या कहोगे आप, बड़ी लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? बड़ी लाइन कहेंगे। दूसरा, मानक लाइन की कहता है, तो मानक लाइन में डिफिनेशन होगा ये रेल के दो पथ हैं,
और दोनों पथ के बीच अगर यहाँ का डिफरेंस की बात कर ले, दोनों के बीच के डिफरेंस कर ले तो 1.44 मीटर। अगर रेल के दो रेल के बीच की दूरी 1.44 मीटर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मानक लाइन कहेंगे। तीसरा मीटर लाइन में कहता है कि ये दो रेल पथ है, इन दोनों के बीच का जो का डिफरेंस है, ये जो दोनों के डिफरेंस है कितना हो, 1 मीटर। तो दो रेल के बीच डिफरेंस मतलब दूरी बीच का जो गैप होगा 1 मीटर हो तो उसे क्या कहेंगे हम, मीटर लाइन कहेंगे। और छोटी लाइन के बारे में कहता है कि दोनों के बीच जो डिफरेंस हो, यहाँ के बीच जो दूरी हो दोनों के बीच, वह 0.67 मीटर हो, इसको हम क्या कहेंगे, छोटी लाइन के नाम से या सरकड़ी लाइन के नाम से जानते हैं। एक आता है रेल गेज क्या है, एक प्रश्न आता है कि रेल गेज क्या है या रेल गेज से आप क्या समझते, रेल गेज क्या है या रेल गेज से आप क्या समझते हैं। तो रेल गेज के बारे में कहता है दो रेल के बीच की दूरी, दो रेल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। रेल के दो रेल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गेज। जैसे एक ये रेल है और एक ये रेल है, इस दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा, ये दोनों के बीच क्या होगा, डिफरेंस होगा, इसी को कहते हैं गेज कहते हैं। क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। तो रेल गेज कितने प्रकार के होते हैं, चार, मतलब दो पटड़ियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, गेज कहते हैं। अब संसार में हम कहते हैं कि विश्व में रेल मार्ग की लंबाई, संसार के देशों में रेल मार्ग की लंबाई, मार्ग की अगर लंबाई की बात कर ले, संसार के देशों में यदि रेल मार्ग की लंबाई की बात कर ले कितनी है, तो संसार के देशों में रेल मार्ग की लंबाई में नंबर वन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रेल मार्ग की लंबाई अमेरिका में है। रेल मार्ग की लंबाई के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। दूसरी बात कर ले तो दूसरी सबसे अधिक लंबाई कहाँ होगा, चीन में होगा। तीसरा वह है रूस में है। चौथा कनाडा में है और पांचवा कौन देश है, भारत। मतलब सबसे ज्यादा रेल मार्ग की लंबाई संयुक्त राज्य अमेरिका में, दूसरा कहाँ है, चीन में है, तीसरा रूस में है, चौथा कनाडा में है और पांचवा कहाँ है, भारत में। मतलब भारत में रेल मार्ग की लंबाई के आधार पर भारत विश्व का कौन सा देश है, तो पांचवा देश है। अब एक आता है कि सबसे ऊंचा रेल मार्ग कहाँ है, सबसे ऊंचा अगर रेल मार्ग की बात कर ले कि संसार में सबसे ऊंचा अगर रेल मार्ग है कहाँ, तो संसार में सबसे ऊंचा अगर रेल मार्ग है उसका नाम है जिनिंग लहासा रेल मार्ग, जिनिंग लहासा रेल मार्ग। ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल मार्ग है और आपको बता दें यह रेल मार्ग चीन के द्वारा निर्मित है और चीन के किस इलाका में है, चीन के तिब्बत इलाका में यह रेल मार्ग है। हम अगर महादेश की बात कर ले कि महादेश के आधार पर कि सबसे ज्यादा रेल मार्ग किस महादेश में है और सब महादेश के बड़े बड़े रेल मार्ग कौन कौन हैं, तो महादेश की अगर हम बात कर लें महादेश या महादेशों में रेल मार्ग की लंबाई, महादेशों में अगर रेल मार्ग की लंबाई की बात कर लें तो सबसे पहले हम नंबर लेते हैं उत्तरी अमेरिका महादेश का, उत्तरी अमेरिका महादेश की बात करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका अगर हम महादेश की बात करते हैं
तो उत्तरी अमेरिका महादेश में विश्व का लगभग 40% रेल मार्ग अकेला उत्तरी अमेरिका महादेश में, विश्व का 40% अकेला, मतलब सबसे अधिक रेल मार्ग उत्तरी अमेरिका महादेश में है। अगर हम यूरोप की बात कर लें कि पूरे यूरोप महादेश में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो 4,40,000 किलोमीटर, 4,40,000 किलोमीटर यूरोप महादेश में रेल मार्ग की लंबाई है। अगर हम एशिया महादेश की बात कर ले कि एशिया महादेश में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, कि डाटा वर्तमान है ये घटते बढ़ते रहते हैं, तो एशिया महादेश में अगर रेल मार्ग की लंबाई की अगर हम बात कर लें तो लगभग एशिया महादेश में 5,00,000 किलोमीटर यहाँ रेल मार्ग है। चौथा में दक्षिणी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश की अगर बात कर लें तो दक्षिणी अमेरिका महादेश में रेल मार्ग की लंबाई बहुत कम है, यहाँ ब्राजील और अर्जेंटीना में ही ज़्यादा रेल मार्ग है, लगभग 1,50,000 किलोमीटर यहाँ पर है। पांच में अगर बात कर ले ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को हम ओशनिया भी कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में रेल मार्ग की लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है, यहाँ रेल मार्ग की लंबाई कितनी है 40,000 किलोमीटर है। उसके बाद अफ्रीका की बात कर लें, अफ्रीका महादेश की बात करें कि अफ्रीका महादेश में रेल मार्ग की हम स्थिति की बात कर लें तो अफ्रीका महादेश में लगभग 40,000 किलोमीटर यहाँ भी रेल मार्ग की लंबाई है लगभग। अब एक आता है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है, तो बड़ी आसान सा उत्तर होगा दो महादेशों के बीच चलने वाली या दो महादेश को जोड़ने वाली, दो महादेश के बीच चलने वाली या दो महादेशों को जोड़ने वाली जो रेल मार्ग है उसको हम पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के नाम से जानते हैं। तो संसार के बड़े रेल मार्ग कौन कौन हैं, बड़े रेल मार्ग की बात करें, कुछ बड़े रेल मार्ग की चर्चा अगर आपसे प्रश्न कर दे तो संसार के कुछ बड़े रेल मार्ग में नंबर एक में आ जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग की लंबाई लगभग 9,932 किलोमीटर है और ब्लाडिवोस्टक से सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ती है, सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ती है। इसे साइबेरिया की चाबी के नाम से भी या साइबेरिया का प्रवेश द्वार के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसको पूरे रेल यात्रा करने में लगभग 7 दिनों का समय लग जाता है, इतना लंबा रेल मार्ग है। दूसरा जो लंबा रेल मार्ग है विश्व का उसका नाम है पार कैनेडियन रेल मार्ग, पार कैनेडियन
रेल मार्ग। तो पार कैनेडियन रेल मार्ग संसार का दूसरा महत्वपूर्ण या दूसरा बड़ा रेल मार्ग है। आपको बता दें लगभग 7050 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है, और यह रेल मार्ग शुरू कहां से होता है, हैलिफैक्स, हैलिफैक्स नामक जगह से प्रारंभ होता है और वैंकूवर तक जाता है। और रेल मार्ग है कहां, तो कनाडा में। पार कैनेडियन रेल मार्ग यह कनाडा में है, लंबाई 7050 किलोमीटर है, हैलिफैक्स टू वैंकूवर तक क्या होती है जाती है। पार कैनेडियन रेल मार्ग को हम कनाडा की आर्थिक धमनी कहते हैं, कनाडा की आर्थिक धमनी कहा जाता है, क्योंकि कनाडा के विकास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है यह। इसके अलावा संसार की जो तीसरी लंबी रेल मार्ग है, यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, क्या नाम है इसका, यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। आपको बता दें यह रेल मार्ग है कहां, तो यह रेल मार्ग अमेरिका में, यह रेल मार्ग है, और यह जो अमेरिका में है यह न्यूयॉर्क से प्रारंभ होता है और सैन फ्रांसिस्को तक जाता है। और इस रेल मार्ग की लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 3528 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है। संसार की अगर चौथी लंबी रेल मार्ग की हम बात करें तो है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह है कहां, तो ऑस्ट्रेलिया में है, किस महादेश में है, ऑस्ट्रेलिया महादेश में है। और आपको बता दें यह सिडनी से शुरू होता है, कहां, सिडनी से कहां तक जाते, पर्थ, सिडनी ऑस्ट्रेलिया महादेश के पूर्वी भाग में है और पर्थ कहां है, पश्चिमी भाग में। तो पूरब में सिडनी से लेकर पश्चिम में पर्थ को यह क्या करती है, जोड़ती है, कौन था, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। उसके बाद पांचवा जो संसार की सबसे बड़ी रेल मार्ग है उसके बारे में जान लें, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, कौन है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग यह संसार के 6 देशों से होकर गुजरती है, कितने देश, 6 देश से होकर क्या करती है, गुजरती है। और जिन जिन देशों से होकर गुजरती है वह देश है तुर्की के अलावा बुल्गारिया, उसके अलावा सर्बिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, और लास्ट में फ्रांस तक के सीमा तक, अगर फ्रांस को जोड़ लेंगे तो यह 7 हो जाएगा, लेकिन फ्रांस को के सीमा तक जाकर ही रुक जाती है, फ्रांस में प्रवेश नहीं करती। ये संसार के 6 देशों को क्या होती है, ये करती है। 13 आपका रेल परिवहन, संसार के प्रमुख रेल मार्ग। अगर हम बात कर ले जल परिवहन की, जल परिवहन की बात कर ले
जल परिवहन का परिभाषा होगा कि जल के माध्यम से, जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना जल परिवहन कहलाता है। और जल परिवहन के बारे में जान लिया, यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। सबसे सस्ता अगर कोई साधन है तो वह जल परिवहन है। अब सवाल है तो जल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? जल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, तो जल परिवहन को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। इसमें पहला है कि नदी में जल की गहराई सर्वत्र क्या हो, समान होनी चाहिए। दूसरा है नदी हिम से आच्छादित न हो, नदी जो है हिम से आच्छादित न हो। तीसरा नदी में रपट न हो, नदी में क्या हो, रपट न हो, मतलब टेढ़ा टाढ़ा न हो। चौथा नदी की धारा तेज न हो, तेज न हो। पांचवा नदी में गाद न जमा हो, नदी में गाद न हो। ऐसी दशा होगी तो चलेगा। इसके अलावा जल का बहाव क्या हो, धीमा हो। अब तो ये जल परिवहन को प्रभावित करने वाला कारक है। ये अगर कारक होंगे तो जल परिवहन होगा, अन्यथा जल परिवहन नहीं होगा। मतलब नदी में गहराई समान हो, नदी में बर्फ ना हो, नदी में ज्यादा रपट ना हो, टेढ़ टाढ़ ना हो, धारा तेज ना हो, नदी के पेंदी में गाद ना हो, जल का बहाव क्या हो, धीमा हो, तब जाकर के चलेगा। अब है जल परिवहन से लाभ क्या है? जल परिवहन से यदि लाभ की बात कर ले कि जल परिवहन से लाभ क्या है, फायदा क्या है, तो जल परिवहन से अनेक सारे फायदा है। पहला फायदा क्या है कि यह परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम है। इससे सस्ता परिवहन का कोई भी माध्यम नहीं है। दूसरा लाभ यह है इसके लिए मार्ग निर्माण की जरूरत नहीं होती है। मार्ग निर्माण की जरूरत नहीं होती, इसके लिए सड़क बनाना नहीं पड़ता। तीसरा इसका लाभ है ऊर्जा की खपत कम करता है। यह ऊर्जा की खपत क्या करता है, कम करता है। चौथा भारी सामान ढोने के लिए अनुकूल है। भारी सामान ढोने के लिए क्या है, अनुकूल है। तो ये लाभ है इसे। अब जब प्रश्न है जल परिवहन के प्रकार की बात करते हैं, जल परिवहन की अगर हम प्रकार की बात करते हैं कि जल परिवहन के प्रकार कितने हैं, तो आपको बता दें जल परिवहन के दो प्रकार हैं। पहला सामुद्रिक जलमार्ग और दूसरा आंतरिक जलमार्ग। मतलब जल परिवहन के दो प्रकार, एक सामुद्रिक जलमार्ग जो सागर व महासागर में, सागर व महासागर में चलने वाले जलमार्ग को समुद्री जलमार्ग कहते हैं। और नदी में, नदी और नहर में जो
जहाज चलते हैं उसको मांतरिक जलमार्ग के नाम से जानते हैं। अब सवाल है कि संसार के कुछ बड़े समुद्री जलमार्ग या यूं कहें कि विश्व के प्रमुख समुद्री जलमार्ग, विश्व के प्रमुख समुद्री जलमार्ग कौन कौन हैं उनके बारे में चर्चा करना है। तो विश्व के प्रमुख समुद्री जलमार्ग में सबसे प्रमुख है उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलमार्ग। यह संसार का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग है, संसार का सबसे बड़ा भी है, संसार का सबसे व्यस्त भी है, और यह अटलांटिक महासागर में है। किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में है, और यह चार महाद्वीप को यह सुविधा प्रदान करती है। इस उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग को हम बृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं, बृहद ट्रंक मार्ग के नाम से इसको हम क्या करते हैं जानते हैं। इस संसार का सबसे व्यस्त है, इसके पूर्वी किनारे पर यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, और पश्चिमी किनारे पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महादेश। दूसरा, अगर हम जलमार्ग की बात करें तो भूमध्य सागर, हिंद महासागर समुद्री जलमार्ग, भूमध्य सागर हिंद महासागर समुद्री जलमार्ग यह संसार का दूसरा सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग है। आपको बता दें, ये संसार की सबसे सघन आबादी से होकर गुजरती है, और यह एशिया, अफ्रीका, इन महादेशों को उपलब्ध कराती है अपनी सुविधा। तीसरा जो महत्वपूर्ण जलमार्ग है, उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, यह संसार का तीसरा व्यस्त समुद्री मार्ग है। यह जो है पूर्वी पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका को सुविधा मुहैया कराती है यह जलमार्ग। उसके बाद अगला जो है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, चौथा जो व्यस्त है उत्तरी प्रशांत समुद्री जलमार्ग, पांचवा दक्षिणी प्रशांत समुद्री जलमार्ग। तो ये संसार के पांच बड़े बड़े समुद्री मार्ग है। अगर आपसे दो अंक का प्रश्न करें कि संसार के प्रमुख समुद्री जलमार्ग कौन कौन है, तो एक उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दूसरा भूमध्य सागर हिंद महासागर समुद्री जलमार्ग, तीसरा उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री जलमार्ग, चौथा उत्तरी प्रशांत समुद्री जलमार्ग, और पांचवा दक्षिणी प्रशांत समुद्री जलमार्ग। अगला है विश्व के कुछ प्रमुख नहर। अगर नहर की बात करें, विश्व के कुछ प्रमुख नहर मार्ग की बात करें, तो विश्व के प्रमुख नहर मार्ग में
हम सबसे पहले लेंगे स्वेज नहर के बारे में। किसको चर्चा करेंगे? स्वेज नहर के बारे में चर्चा करेंगे। यह सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है और सबसे बड़ा जहाजी नहर है। विश्व का सबसे व्यस्त भी है और विश्व का सबसे बड़ा जहाजी नहर भी है। इसको स्वेज नामक जल डमरू मध्य को काटकर बनाया गया। यह मिस्र में पड़ता है और आपको बता दें 1859 से बनना शुरू हुआ और 1869 में यह बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। फ्रांस के एक इंजीनियर थे फर्डिनेंड डी लेसेप्स के देखरेख में, इसका इंजीनियर थे फ्रांस के फर्डिनेंड डी लेसेप्स, फर्डिनेंड डी लेसेप्स के देखरेख में इसका निर्माण हुआ था। इसकी बात करें तो यह भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि लाल सागर के पोर्ट सईद तथा भूमध्य सागर के पोर्ट स्वेज और भूमध्य सागर के पोर्ट सईद बंदरगाह को जोड़ती है। तो लाल सागर में स्वेज बंदरगाह और भूमध्य सागर में सईद बंदरगाह को जोड़ने का काम करती है। अगर इसकी लंबाई की बात कर लें तो इसकी लंबाई है 160 किलोमीटर और गहराई की बात करें, इसकी गहराई 10 से 15 मीटर इसकी क्या है, गहराई है। और चौड़ाई की बात कर ले तो इसकी चौड़ाई 415 मीटर है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त नहर है और जल बंधकों से यह मुक्त भी है और दुनिया के सबसे घनी आबादी से यह चलने वाला नहर है। इसके बाद एक और नहर है, व्यस्त की बात करता हूं तो है पनामा नहर। कौन है पनामा नहर, इसकी बात कर ले तो यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महादेश के बीच है। पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है और इस नहर का निर्माण अमेरिका ने कराया था। अमेरिका के देखरेख में 1904 से शुरू हुआ और 1914 ईस्वी में ही बन के क्या हो गया था, तैयार हो गया था। पनामा नहर की बात कर ले तो पनामा नहर जो है वह प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। आपको बता दें इसके निर्माण में अगर खर्च की बात करें कि पनामा नहर के निर्माण में तो 7.5 करोड़ खर्च लगा था इस नहर के निर्माण करने में। आपको बता दें यह जो नहर है प्रशांत महासागर में कोलोन और अटलांटिक महासागर में एक नहर है बंदरगाह। तो कोलोन और पनामा बंदरगाह को यह आपस में क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। इस नहर की अगर हम लंबाई की बात करें तो इस नहर की लंबाई 72 किलोमीटर है। नहर की लंबाई कितनी है, 72 किलोमीटर है। और आपको बता दें चौड़ाई की बात कर ले, इस नहर की चौड़ाई कितनी है तो 90 मीटर मात्र इसकी चौड़ाई है। जहाज को पार करने में 24 घंटा, एक जहाज इस नहर से पार करती है 24 घंटा में और प्रतिदिन इससे 50 जहाज, इस नहर से प्रतिदिन 50 जहाज क्या होते हैं, क्रॉस करते हैं। इस नहर के निर्माण करने में एक पहाड़ी को काटा गया था, उस पहाड़ी का नाम था कुलवेश नामक पहाड़ी को काटकर इस नहर का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। और इस नहर में लॉक्स की बात करते हैं
इस नहर में तीन तीन लॉक्स हैं। कितने तीन हैं लॉक्स हैं? तीन लॉक्स हैं, नाम है गाटुम, ओडोमिकर और मीराफ्लक्स। ये तीन इसमें क्या है? लॉक्स हैं। इसके अलावा कुछ नहर के बाद हम नदी जल परिवहन की बात कर लें तो नदी परिवहन में, या नदी परिवहन को हम आंतरिक जल परिवहन भी कहते हैं, आंतरिक जल परिवहन भी हम इसको कहते हैं। तो आंतरिक जल परिवहन में कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे एक में राइन, राइन जल मार्ग। अगर राइन जल मार्ग की बात करें तो यूरोप महादेश में है। किस महादेश में है? यह यूरोप महादेश में है। और आपको बता दें जर्मनी, राइन जर्मनी की नदी है, जर्मनी से नीदरलैंड के बीच चलती है और इस दोनों देश के बीच चलती है और संसार के लगभग 5 देशों से होकर यह जलमार्ग गुजरती है। और सबसे बड़ी बात है कि राइन जलमार्ग दुनिया का सबसे व्यस्त जलमार्ग है। दुनिया का यह सबसे व्यस्त जलमार्ग है और इस जलमार्ग के द्वारा राटरडम सबसे ज़्यादा व्यापार करने का काम करता है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है उसका नाम है डेन्यूब, डेन्यूब जलमार्ग। और आपको डेन्यूब जलमार्ग जो है रूस के वोल्गा, रूस में है, कहाँ है? रूस में है। और डेन्यूब नदी के सहारे, डेन्यूब नदी के माध्यम से चलता है और डेन्यूब नदी से यह काला सागर तक, काला सागर तक यात्रा करता है। तीसरा जो है वोल्गा जलमार्ग, और वोल्गा जलमार्ग भी कहाँ है? रूस में है। वोल्गा जलमार्ग कहाँ है? रूस में है। इसकी लंबाई 11,200 किलोमीटर है। इसके अलावा बृहत, या बृहत झील जलमार्ग, यह अमेरिका में है। बृहत झील जलमार्ग कहाँ है? अमेरिका में है और अमेरिका और कनाडा का सेवा उपलब्ध कराती है। पांचवा की बात करें तो मिशिशिपी जलमार्ग, यह जलमार्ग भी कहाँ है? अमेरिका में। तो ये संसार के कुछ महत्वपूर्ण जलमार्ग हैं, आंतरिक जलमार्ग, जैसे राइन जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, बृहद झील जलमार्ग और मिसिसिपी जलमार्ग। तो अगले क्लास में हम लोग पाइपलाइन परिवहन और वायु परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद। कट गया।